वहाँ पे नहाने का जगह यहाँ पे नहाता है। अब हम नहाने जा रहे हैं। बहुत दिन से नहाने के लिए टारगेट प्लानिंग कर रहे बोला मेरा मन है, बाकी भोलेनाथ का कृपा। अभी तो पानी सूख गया ना साइड साइड में तो, और ये ब्रिज है नामे गए यहाँ पे एक बार। ये ब्रह्मपुत्र पे जाता है ना, ये ब्रह्मपुत्र जाता है ना, ये ब्रह्मपुत्र है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होके ब्रह्मपुत्र जाए। ओ वो देख रहे हैं जो कुंड वो है, वो जो रॉक में रॉक में मूर्ति बनेगा, ओ यहीं पे बनेगा जो वो अच्छा। यहाँ से जा रहे हैं अभी कुंड की तरफ, बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहे हैं लोहित डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये भी तेजी का अंदर पड़ता है ना, हाँ अभी पूरा ऊपर पे जाना पड़ता है अभी भी वो। ओ ऊपर देख सकते हैं आप लोग पूरा बादल छाया, पूरा इसको क्या बताए कोहरा छाया हुआ है। ओह ब्रिज से आया था, वो ब्रिज से अभी भी ऐसा रास्ता भी आप देख सकते हैं चलना चल रहा है। हवा बहुत तेज मार रहा है, बहुत ठंड है, पहाड़ों के काट के से रास्ता बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नदी पे। भैया आपका चेहरा कोई उधर देख रहे हम लोग का भैया यहाँ का लोकल है, उसका बारे उसको सब कुछ पता है इस जगह के बारे में। तो भैया यहाँ पे क्या वो मेला जब लगता है ना, वो जनवरी पे लगता है ना, जनवरी 15 इसमें तो पूरा भीड़ होता है ना यहाँ पे तो है ना, पूरा इसमें गार्ड्स वगैरह भी दिया जाता है ना, वॉलंटियर्स लोग। और इधर रहने का खाने का भी व्यवस्था किया जाता होगा शायद, कहाँ है नहाने का जगह वो दिखा दे रहा है ना नीचे, वो यहाँ पे वहाँ पे नहाने का जगह। आज से इतना आदमी आया नहीं है क्योंकि अभी तो हाल ही में मेला तो खत्म हुआ है ना, इसलिए आया नहीं। ये भैया आज हम लोगों को गाइड करेगा परशुराम का समय ना वो तो जनवरी पे होता है ना, आता है और मिट्टी के अंदर से आता है पानी, जो असली सफाई वाला पानी। अच्छा तो एक मिरेकल होगा वो भी, गरम गरम होता है ना। अच्छा अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, रोकिए इतना देखिए आप वहाँ पे देख सकते हैं नदी कितना फोर्स है, नदी का करंट देखिए ब्रह्मपुत्र का, इसका ये सिर है ना, सिर सर बोलता है ना सर, ब्रह्मपुत्र का सर देख सकते हैं यहाँ पे। वैसा
क्या बोलूँ मैं इस नज़ारे को, क्या बोलूँ मैं। होली ओ होली डिप, होली डिप यहीं पे नहाता है। हाँ अच्छा है, आपको एक नज़ारा दिखा दूँ मैं यहाँ पे। नदी नदी देखिए, नदी देखते पवित्र स्थान। हम सजा नदी में डुबकी लगाना पड़ता है, हम ना हम सजा था ना भैया, नदी में डुबकी लगाना पड़ेगा ना, क्या सोचा था? ले जाएगा तो ना, यहाँ तो बहुत असली पवित्र पानी ये ना। अभी नहाएगा एक बार, नीचे में जाएगा देखेगा जाके। ये सब कपड़ा तो क्यों, इसलिए मेला का समय में फिर भी तो ऐसे गंदा फेंक के चला गया ना, ऐसे नहीं करना चाहिए था ना, ये सब गंदा खुद लेके जाना चाहिए था ना, ये सब तो देखिए ना कितना गंदा कर दिया है। मेल पवित्र स्थान, यहाँ पे मेल का है, देखिए ना इतना गंदा कर दिया ना। हम लोग को पहाड़ का ऊपर से चोटी से आया था, नहाता है। हाँ पहले यहाँ पे तो गड्ढा नहीं है, गड्ढा है, गड्ढा है। कितना गड्ढा होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे? हाँ तो अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं, भैया पहले नहाएगा वहाँ पे डुबकी लगाएगा, उसके बाद हम भी जाके डुबकी लगाएगा, देखते हैं कैसे रहेगा। अभी शू खुलेगा हम इधर नहाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी गए। ये पकड़िए, अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं, पहले वहाँ डुबकी लगाइए। आओ भैया। ये हम लोग का नेपाली भैया लोग नहाने के लिए आया है यहाँ पे फोन पे, मुझे गाइड करने के लिए कहा गया, इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ। हाँ ये सफाई, ये मेन है, ये भैया लोग नहा रहे देखिए फोन में। अरे बहुत दिन से नहाने के लिए टारगेट प्लानिंग कर रहे हैं, बोला सक्सेस होता नहीं है, आज कैसे कैसे करके यहाँ सक्सेस हो गया बोला है, क्योंकि अभी आज नहाने मिला है, वो लोग बहुत खुश है। तो बारिश का भी मौसम है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फोन में, इसलिए नहाने के लिए ज़रा ठंडा हो रहा है बोला है। तो गर्म है नीचे से तो, नीचे में तो पूरा आइस है, आइस आइस पूरा जीरो माइनस डिग्री भी है पानी, यहाँ का तो गर्मी है। महीना वहाँ पे नहा के आने के बाद यहाँ पे नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है, इतना ठंड नहीं होता। अगर वहाँ पे नहाने के बाद पूरा ऐसा कपता है, नहाने के बाद सब ठीक हो गया। यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आइए लाइफ में, उनको उनको पूछिए वो क्या कैसे बोलते हैं। बड़ा भैया आप नहा करके आप कैसा लगा? नमस्ते, हमको बहुत अच्छा लगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे मैं आऊँगा, पहुँचूँगा कि ये धाम को मैं मुलाकात कर सकूँ, कि धाम को आके मैं विजिट कर सकूँ। कृपया आज मेरा मन में बहुत सुकून है, बाकी भोलेनाथ का कृपा, जय भोलेनाथ। तो अभी हम लोग जा रहे थे नहा धो के, ख़त्म हो गए कपड़ा थोड़ा लगा लिया, अभी नहा के हम लोग जा रहे हैं वहाँ बाबा के पास, थोड़ा जाके एक बार दर्शन कर लेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे। बाबा जी प्रणाम, आ सकता हूँ ना? दादा जा रहा है अभी। सर हम लोग दर्शन कर लेंगे। हाँ हो रहा है अभी, ये भैया लोग मंदिर से दर्शन दे रहे हैं बाबा से, परशुराम बाबा से दर्शन ले रहे हैं भैया लोग। इसके क्यों बनेगा? कहाँ पे? यहाँ पे ये पत्थर का ऊपर में। अच्छा अच्छा, ये पत्थर का ऊपर में एक स्टेचू बनने वाला है। सेक्शन पूरा पूरा हो चुका है, सेक्शन हो गया ना? हाँ। कितना क्या क्या स्टेचू बनेगा यहाँ पे? परशुराम बाबा का स्टेचू बनेगा। कितना? 50 फीट ऐसा ऊंचा बनेगा। वो इसका ऊपर पे तब तो बहुत मजा होगा। यहाँ पूरा होली प्लेस, मैंने बहुत मैंने ये
बढ़िया होगा। और यहाँ जाने के लिए रास्ता कहाँ पे बनाएगा वो? यहाँ से सर्विस बनाएगा होगा वो लोग। ओ इतना खतरनाक दिखेगा ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया मजा आएगा। देख सकते हैं अभी भी आप, देख सकते दृश्य कितना अच्छा है ना, वो पानी देख सकते हैं, अब नीचे भी देख सकते हैं पूरा पत्थर रॉक। ये आपका ये कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल है, उसका जैसा बनेगा ये। ओ यहाँ पे ना रॉक मेमोरियल नहीं है क्या वहाँ पे? हाँ रॉक मेमोरियल है तो शिला स्मारक। हाँ जैसा बनेगा ये। सही 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 सही। तब हम लोग आएंगे तभी बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप लोग खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए वहाँ पे 50 मीटर का ना 50 मीटर का इमारत होगा, जो एक परशुराम बाबा का स्टैचू होगा इमारत इतना ऊपर पे, तो कैसा देखेगा? वाह बहुत मजा होगा। तब तो टूरिज्म तो बहुत फैल जाएगा अरुणाचल प्रदेश पे, बहुत अच्छा होगा यहाँ पे, बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि सभी आप लोग आइए और देखिए। अभी हम लोग ऊपर तरफ आ गए हैं, अभी अभी हम लोग मैं और भैया जो आज का गाइड रह चुका है। देखो दोस्तों कैसा मिला मुझे, क्या मिला है ये देखो, अंडा जैसे एक जो पत्थर है, कितना सुंदर पत्थर है। मैं घर जाए घर लेके जा रहा हूँ, ये घर लेके मैं घर पे रख रहा हूँ, कितना सुंदर देख सकते हैं चारों तरफ से कलर पेंट किया जैसा। देखने समय मुझे इतना सुंदर अच्छा लगा, इसलिए मैं ये उठा के ले जा रहा हूँ। दो तीन तो ले जाने के लिए दिल कर रहा था लेकिन नहीं सक रहा ना, बोकने के लिए भारी होते ना, इसलिए। तो अभी हम लोग लगभग नहा धो के अभी ऊपर तरफ आ गए। लगभग यहाँ से नीचे नदी जाने के लिए 100-150 फीट नीचे जाना पड़ता है, ऐसे सीढ़ी आपको दिखाया मैंने, सीढ़ी पे जाके नहा के अभी उठना पड़ता है। अभी उठ के हम लोग आ गए हैं ऊपर तरफ में, और एक भैया एक चीज़ा जो आगे तरफ में चला गए, और एक जो निबूस भैया है वो निबूस भैया तो पूरा पीछे भी कहाँ रह गए पता नहीं। तो मेन मंदिर की ओर हम लोग जा रहे हैं, अभी भैया मुझे गाइड करते करते जा रहा है, हम लोग को तो इतना नॉलेज नहीं है। जो ये मंदिर का खासियत क्या है, जैसे कि जो परशुराम बाबा ने जो अपना माँ को कटने के बाद जो कुल्हाड़ी होता है ना, जो हाथ में चिपक गया था ना, तो उसका बाद ये तब से तो ये मंदिर बनाने का ये लोग निर्णय लिया होगा। ओ, तब तब वो लोग ये जब से पवित्र पवित्र जगह है, जब से जाना है तब से मंदिर बनाने का भी तब से वो लोग डिसीजन लिया है। वो जो कुल्हाड़ी था जो हाथ से नहीं छूट रहा था ना, तो यहाँ पे आके धो के यहाँ नदी पे धोने के बाद वो छूट गया ना हाथ से, वहीं में छूट गया, यहाँ पूरा पवित्र जगह बन गया। और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे केता भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माँ और छोटा लड़का जो छोटा बेटा है ना वो इस मंदिर पे कभी नहीं आता है आने का। तो आशा करता हूँ, तो इतना तक ही था मेरा वीडियो, और आशा करता हूँ आप सबको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा, जो एक नॉलेज आई जे प्रोवाइड जरूर करेगा मेरा ये वीडियो। और आपको कुछ कहना है भैया? हम तो यही कहेगा कि आप लोग यहाँ विजिट करने के लिए कोशिश कीजिए, यहाँ बहुत अच्छा जगह है। हाँ को मन को पूरा सुकून मिलता है। सही सही बोला सर, ये 100% इसलिए मैं कहूँगा कि आइए आप लोग भी विजिट करके देखिए ऑन द स्पॉट में। ओके सब अच्छा लगेगा। जाते जाते अपना आप अपना नाम बोल के जाइए ना। मेरा नाम जो सोथान पुल है, सोथान पुल यहाँ का लोकल है ना, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ। ठीक है, वाको सर्कल का। ओके तो आप लोग जरूर आइए और विजिट कीजिए, आइए। और यहाँ पे और भी एक दो साल में तो बहुत बढ़िया होगा ना। हाँ तो ये नज़ारा है, बहुत चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, तो जरूर विजिट करना। देखिए ऐसा ऐसा पत्थर भी मिलता है। तो गाइस स्टिल एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय बाय।